Subscribe Gadgets Hub and press the bell icon to get the latest updates. हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं गैजेट्स हब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप मेरे हाथ में जो फ़ोन देख सकते हैं वो असूस का ज़ेनफोन मैक्स M2 है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसकी सेल अभी 18 तारीख से चालू होने वाली है, यानी कि कल से। अगर आप ये वीडियो 18 तारीख के बाद देख रहे हैं यानी कि इसका सेल ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए मैं आपको इस फ़ोन की कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ऊपर की तरफ इस फ़ोन में हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है, और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दिया गया है, और नीचे की तरफ स्पीकर वेंट दिया गया है, माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है और प्राइमरी माइक दिया गया है, और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं और पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और पीछे की तरफ 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो यानी 8.1 के साथ आता है। असूस के बिजनेस हेड हैं यानी कि दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बताया था कि इस फ़ोन में एंड्रॉयड पाए का अपडेट जनवरी 2019 में भी आ जाएगा। और अगर बात करें इस फ़ोन के स्टोरेज की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 32 GB में से ऑलमोस्ट 23 GB इसमें यूज़र मेमोरी मिलती है। और अगर बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की, तो इस फ़ोन में हमें 6.26 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, और इस फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन 632 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। और अगर बैटरी की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है। और अगर इस फ़ोन के कैमरा की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है, और अगर इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा में भी LED फ्लैश मिलता है, और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि इस फ़ोन में हमें टैप टू फोकस का भी ऑप्शन मिलता है। और अगर आप चाहें तो इस फ़ोन में मैनुअल मोड ऑन करके भी आप अपने हिसाब से अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। इस फ़ोन के कैमरा में हमें एक और फीचर मिलता है, यानी कि हम रियल टाइम में अपने फ़ोटोज़ के बोके इफेक्ट का लेवल कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर बात करें इस फोन के रियर कैमरा की, तो ये फोन 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, और इस फ़ोन में हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।